इस वक्त की बड़ी खबर, सियासत के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील। चुनाव आयोग ने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपराधियों को टिकट पर रोक नहीं लग सकी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, कहा कि एक हफ्ते में इस पूरे मामले को लेकर उपाय के साथ कोर्ट में पेश हो। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल सियासत के अपराधीकरण पर ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि हमने तमाम कोशिशें की लेकिन उसके बावजूद भी रोक नहीं। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो खुद ही इस पर रोक लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते का वक्त आपको दिया जाता है, एक हफ्ते के बाद आप उपाय के साथ हमारे सामने पेश हो। एहतिशाम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एहतिशाम, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, डिटेल में बताओ, ये पूरा मसला क्या था, क्या कोई याचिका दाखिल की गई थी? देखिए, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है जिसमें ये मांग की गई है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके खिलाफ गंभीर क्रिमिनल मामले लंबित हैं उनको कोई भी राजनीतिक दल टिकट ना दे। तो ये एक संवैधानिक मसला भी है क्योंकि इसमें ये देखना होगा कि क्या सिर्फ आरोप लगने से या अभी पेंडिंग है केस उस स्थिति में क्या किसी का अधिकार छीन लिया जाए कि वो टिकट ना दे। और कई बार राजनीतिक दलों का भी ये अधिकार होता है कि वो किसको टिकट दे या ना दे, वो जनता उनको चुनकर भेजती है। तो ये सारे मसले कोर्ट के सामने हैं। उसमें ये देखा गया कि क्या वाकई में जो कोशिशें की गई हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग राजनीति में ना आए, तो इस पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज कोर्ट को बताया कि जो कोशिशें इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई हैं अभी तक, जिसमें ये एफिडेविट में लोगों को बताना पड़ता है कि उनके खिलाफ क्या मामले लंबित हैं, ये कोशिश नाकाफी है और इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और अभी भी लोग जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं वो राजनीति में आ रहे हैं, उनको टिकट दी जा रही है और लोग चुन भी रहे हैं। तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से इस मामले को लिया है और कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इस पर कोई कुछ कोर्ट को मुदाखलत करनी होगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इस पर विस्तृत एक रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर वो कोर्ट में जमा करें और उसके बाद। तो शाहीनबाग के धरने के आज 40 दिन हो गए हैं, बीच का कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त केंद्र सरकार को दिया है जवाब देने के लिए और ये प्रदर्शनकारी अब अगले 4 हफ्ते तक यहीं शाहीनबाग में इकट्ठा रहेंगे। हालांकि इन प्रदर्शनकारियों और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच बातचीत हुई थी लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। तो अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि शाहीनबाग का ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से बंद है, प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं यहाँ पर। और इस बीच देखिए आपकी वेलकम एम्बुलेंस यहाँ पर जरूर लिखा हुआ है लेकिन रास्ता बंद है, अगर एम्बुलेंस आती है तो यहाँ जरूर रास्ता खोला जाएगा, इस तरह का प्रदर्शनकारियों का कहना है। इस बीच भारत के झंडे लगा करके यहाँ पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है, ये रास्ता पूरी तरह से रुका हुआ है। यहाँ पर देखिए पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग आज आ रहे हैं बीच में कहीं कट एक खोल दिया गया, देखिए एक रिक्शा से लेकर के वहां पर आ गए लेकिन बीच में कट नहीं है उस तरफ जाने के लिए, इसलिए उनको यहीं पर उतरना पड़ेगा। और जो लोग हैं वो वहां पर पैदल ही आ जा रहे हैं क्योंकि आवागमन का साधन पूरी तरह से यहां पर बंद है क्योंकि रोड ही लगभग 40 दिनों से यह बंद कर दी गई। इस बीच प्रदर्शन भी हुआ था इस रोड को खोलने के लिए लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भी लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। हमारे साथ प्रियंका कांडपाल हैं जिनके साथ नुपुर शर्मा इस वक्त जुड़ गई हैं। प्रियंका, दिल्ली की सियासत पर और खासतौर से शाहीनबाग को लेकर के बीजेपी क्या कह रही है? जी बिल्कुल, नुपुर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी है, उनसे जानेंगे। नुपुर, दिल्ली चुनाव बिल्कुल सर पर है और ये शाहीनबाग का मुद्दा अब गर्म होने लगा, आपको लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव पर शाहीनबाग का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा बनेगा? आपको नहीं लगता कि शाहीनबाग का मुद्दा तब तक ही गर्म रहेगा जब तक चुनाव चल रहे हैं? नहीं तो 5 ऐसे लोग जिनके ऊपर आरोप लगाए दंगा भड़काने का, जिनके ऊपर कंप्लेन है, जिसमें से खुद मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और इनकी एक कैंडिडेट खुद आतिशी मालना, अमरतुल्ला खान, इरशाद खान और शोएब इकबाल का नाम आता है, इनको टिकट क्यों देगी आम आदमी पार्टी? एक तरफ कहते हैं कि भैया दंगा मत करो, दूसरी तरफ दंगा भड़काने वाले के जो आरोपी हैं उनको आप दोषी हैं, जो उनको आप टिकट दे देते हो। मैं इतना पूछना चाहती हूं कि कल मनीष सिसोदिया जी ने टेलीविजन के ऊपर ये क्यों कहा कि हम शाहीनबाग के साथ हैं, हम जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं? क्योंकि अब बाकी लोग नहीं रहते इस देश के अंदर? क्या इस देश के अंदर राष्ट्र की चिंता करने वाले राष्ट्रवादी लोगों की जगह नहीं है? या आम आदमी पार्टी केवल उन लोगों के लिए खड़ी है जो देश का विभाजन चाहते हैं, देश की बर्बादी चाहते हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं? और देश आपने खुद देखा है शाहीनबाग में जिन्ना वाली आज़ादी मांगी जा रही है। भैया जिन्ना वाली कौन सी आज़ादी चाहिए आपको हमारे देश के अंदर? शाहीनबाग दिल्ली का पार्ट है,
दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पे जिन्ना वाली आजादी मांगने वाले कौन लोग हैं? तो आपको लग रहा है कि जो आम वोटर है दिल्ली का, शाहीन बाग के मुद्दे को, जैसे आप कह रही हैं कि राष्ट्रवादी और राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा आप बता रही हैं, तो क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जहाँ स्थानीय मुद्दों को की बात की जाती है, विकास की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, शाहीन बाग का मुद्दा क्या आम वोटर के लिए एक ऐसा मुद्दा बनेगा जिसको ध्यान में रख के वो वोट करे? मुद्दा बनाने वाली तो आम आदमी पार्टी है। आप मुझे खुद बताइए, अगर बनाने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो जो इनके खुद के कद्दावर नेता जो आरोपी है, जिनके खिलाफ कंप्लेंट दायर की गई है, उन लोगों को टिकट क्यों दिया इन लोगों ने? आप मुझे बताइए कि जब दिल्ली चुनाव है तो उसके अंदर मनीष सिसोदिया, ये क्यों कहते हैं हम शाहीन बाग के साथ हैं और जेएनयू के टुकड़े टुकड़े के साथ हैं? हमने तो निकलवाया ना, हमने शाहीन बाग का वो प्रोटेस्ट करवाया ना, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े या नेता खड़े कहने के लिए कि जिन्ना वाली आजादी, हम तो नहीं कह रहे। चार पांच साल की बच्चियों से कहलवाने वाले कौन लोग हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं मौत की डगर दिखाऊंगी, मार देंगे हम उनको? ये क्या शाहीन बाग की बात हो गई, लेकिन सीए क्या दिल्ली चुनाव के लिए आपको लगता है दिल्ली के वोटरों के लिए मुद्दा रहने वाला है? मैं इतना जानती हूँ कि देश हित में तो हमेशा मुद्दा बना ही रहेगा। ये उन लोगों से पूछिए जो देश तोड़ने की बात करते हैं। दिल्ली चुनाव में जो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो शाहीन बाग और जिन्ना वाली आजादी के साथ खड़े हैं, जो देश की टुकड़े और बर्बादी के साथ खड़े हैं, ये मुद्दा वो गरमा रहे हैं। क्या वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या वोट पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं? प्रियंका, हम सुन रहे थे नुपुर शर्मा किस तरह से आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल उठा रही हैं। नुपुर शर्मा बीजेपी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही हैं शाहीन बाग को लेकर। लेकिन देश भर में छात्रों का जो प्रदर्शन हुआ था, धरना चल रहा है लगातार, उस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि छात्रों को हिंसक प्रदर्शन से दूर रहना चाहिए। आजादी के नारे लगाना